जनपद में बुधवार को 21 स्थानों पर पुलिस चौपाल का आयोजन किया गया। इस दौरान एसएसपी डॉक्टर विपिन ताडा ने गोरखनाथ थाने पर पुलिस चौपाल लगाया, जहां पर उन्होंने चौपाल में आए फरियादियों की समस्याओं को सुना व संबंधित अधिकारियों को निस्तारण के निर्देश दिए। जिसके संबंध में एसएसपी डॉक्टर विपिन ताडा ने बताया कि गोरखनाथ थाने पर मेरे द्वारा पुलिस चौपाल लगाया गया। जिले के कई थानों पर राजपत्रित अधिकारियों द्वारा थाने पर जाकर उनकी समस्याओं को सुना जा रहा है व निस्तारण किया जा रहा है। वहाँ पर थाने का रखरखाव, रजिस्टर का रखरखाव, कार्यालय का रखरखाव, कर्मचारियों की सुनवाई, आईजीआरएस प्रकरण में मुकदमे के जो वादी हैं उनकी भी सुनवाई की जा रही है और जो उसमें संभव कार्यवाही है की जा रही है। उन्होंने कहा कि पुलिस चौपाल में जो भी मामले सामने आ रहे हैं उसको तत्काल संबंधित अधिकारी को निर्देशित कर निस्तारण के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा, बुधवार को पुलिस चौपाल में कुल 21 थानों पर 163 एप्लीकेशन आए, जिसमें से 52 मामलों का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया तथा 33 मामलों में जांच के लिए निर्देशित किया गया है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसएसपी डॉक्टर विपिन ताडा ने कहा, कौन देखता है आपने यहाँ एक नितिन श्रीवास्तव है कोई दरोगा जी, उनको बुलवाइए, उनसे विशेष रूप से लिस्ट भेजी गई है आपको आईआरएस ऑफिस से, तो बताओ ना, जब सब खोल के मैं दे दिया हूँ आप तो पहुँचा दिया आपको, तो खाली नाम पूछ रहा हूँ। चलो है नाम बोलिए, जिन जिन का नाम आया हाथ खड़ा करते रहिए। कृष्णभूषण शाह है, हाँ ठीक है। डॉक्टर अरमानुल्ला जी से, जुबैर अहमद जी, बनर्जी, हाँ सर, फिर क्या हुआ उसमें समाधान विरोध के सभी लोग आए थे, आप नहीं आए थे वहाँ पर? आई साहब, आई साहब आपके वकील से था या वकील साहब? हाँ वकील साहब आए थे। मीडिया में खार साहब ने कहा था कि आप दोनों पार्टी हमारे कोर्ट में आ गई, अच्छी बड़ी बुला करके सर जो है पूछ लेंगे। नहीं वो भी गए होंगे, उनको जो है उस दिन नहीं गए थे, उन्होंने साइन करवाया था उनके। जी सर, जी सर, उस दिन नहीं गए थे। आप कहेंगे जो है कि हम उनको बुला करके उनसे पूछ लेंगे। नाम क्या है आपका? प्रसून नारायण। सर जब भी बात होती है, जब मतलब पार्टी आती है तो आप नहीं आते, जब एक वो नहीं आते साहब ने दिए, साहब ने कहा जब तक दोनों पार्टियां नहीं होंगी हम डिसाइड नहीं करेंगे। कुछ दिन सर आप नहीं आए थे और दूसरी पार्टी सर आई थी। आप जॉब करते थे, तो 3 साल शादी के हुए थे, बच्चा भी हुआ था 8 महीने का, छोटा बच्चा था। मेरी बहन ससुराल में रहती थी, मैं बगल में घर है, तो अब जो हम लोग गोरखपुर में घर है उनके दादाजी का, तो अपना भी घर है। जब दादाजी का हॉस्टल के पास है वहाँ पर छोड़ के चले गए, मम्मी पापा वहीं रहते थे उस वक्त, और वो भी अच्छा लखनऊ में रहते हैं। फिर क्या हुआ कि कुछ दिनों बाद उन्होंने वहाँ पर अपीयर नहीं और अपना जवाब सबमिट की, तो उसके बाद बीच में वो बच्चा छोटा था तो बीच में आती रहती थी, एक दिन पूरे दिन भर रहती थी अपने ससुराल में। फिर उसका कहते थे देखो बेटा 4 दिन तक 7, 8, 9, 10, 10 अप्रैल 2022 तक वहीं, 10 अप्रैल के बाद जब वो वहाँ रही तो 10 अप्रैल को उसके जो अपने सास ससुर जो यहाँ 4 परिवार रहते हैं उनके बाकी अपने सास ससुर जो है कमरे में ताला लगा बंद करके देश के बाद लेकिन वो आप 5 मिनट में देखा
जमीन पता नहीं इनकी है किसी और की है सर। हम लोग करीब उस पर घर बना कर 30-40 साल से रह रहे हैं, 30-40 साल से घर बना हुआ मेरा वो ये कह रहे हैं 40-50 साल से उस पर रह रहे हैं, खानदानी रह रहे हैं। अब वो जमीन जहाँ पे ये बता रहे हैं स्टे, वो ये जमीन नहीं है। पैमाइश के लिए मैंने उनसे कहा नेपाल जी कि उनका घर पे पैमाइश के लिए तैयार नहीं है। 36 आ रहा है कि उनका मकान आ रहा है कि नहीं आ रहा है, किसी राजेश गांधी की क्लियर नहीं किया ना। तो सर उनके घर 40-50 साल से लोग रह रहे हैं, पुराने झोपड़ी सर की झोपड़ी गिरा के उस पर कई लोग घर बना के रह रहे हैं सर, कई मकान बने हुए हमारा गेट लगा तो छुट्टी खाते रही कि आज छुट्टी खाता दो तारीख आज थाना गोरखनाथ में मेरे द्वारा पुलिस चौपाल का आयोजन किया गया है। इसी प्रकार से जनपद के समस्त थानों में वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा जाकर पुलिस चौपाल का आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान थाने का रखरखाव, कार्यालय का रखरखाव, हमारे कर्मचारियों की सुनवाई के साथ साथ जो IGRS के और जो मुकदमों के वादी हैं उनकी भी सुनवाई की जा रही है, और जो उसमें संभव कार्रवाई है वो मौके पर की जा रही है। जो आवश्यक दिशा निर्देश हैं वो दिए जा रहे हैं।